गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। भारत और भी अफगानिस्तान सूरत हाल ना खराब और बिगाड़न के वास्ते नापाक किरदार अदा कर रही है। अफगानिस्तान का मसला का हल के वास्ते कायम किया जाने वाला एहतियात जिसमें अमरीको रूस और चीन शामिल थो और पाकिस्तान ना भी शामिल कर दो गयो है, इस एहतियात दे भारत को अखराज भारत के वास्ते मुझ बड़ी शर्मिंदगी को बायस बने हुआ है। भारत अफगानिस्तान में इस्तकाम और अमन नहीं देखना चाहता। भारत अफगानिस्तान में लोगों की मदद के वास्ते नहीं गियो थो बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुकात ना नुकसान पहुँचाने के वास्ते दाखिल हुए थो और भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के वास्ते पाकिस्तान अफगान सरहद पर कौंसल खाना कायम किया था, मगर अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत और पूरा अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी और एक वसी बुनियाद अबूरी हुकूमत को क्याम भारत ना अच्छा नहीं लग रही हो। इस हवाला दे मोदी हुकूमत का पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अजायम जड़ा खाक में मिल गया और भारत झूठा प्रपगंडा उसारो ले गए जो कि तालिबान का तर्ज ते इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का नाम नयाद इल्जाम लाया जा रहा है। अफगानिस्तान का सियासी हल की तलाश के वास्ते मुनाकद मीटिंग दे भारत का अखराज ने इसना आग बगोला कर देता है। अफगानिस्तान मुजाकरात ते अलग किया जाने दे बाद भारत और रूस और अमरीका का आला अहदेदारा या दहली का दौरा पर फख्र करता हुआ अपनी अहमियत साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस प्रपगंडा में भारतीय मीडिया भी मोदी हुकूमत के नाल बढ़ चढ़ गए हिस्सों ले रही है और भारत में रहने वाला अफगानिया ना जोर जबरदस्ती तालिबान मुखालफ बयान दौड़ रही है। भारत कदे भी अफगानिस्तान का हाल को हिस्सों नहीं रियो बल्कि वो हमेशा अफगानिस्तान में मसाइल बदाउन में अपना किरदार अदा करतो रियो है, मगर उन अफगानिस्तान अमन अमल का तमाम फरीका ना बिल आखिर इस गल को एहसास हो गयो है कि भारत को अफगानिस्तान में कोई अहम किरदार नहीं है। भारत के वास्ते बेहतर यो है कि वो अफगानिस्तान में नई तब्दीली और इसके मुतालिक हकायक ना कबूल कर लिए और ज्यादा बिगाड़ फैलाउन दे बाज रहे।